इसराइल हमास युद्ध अब और खतरनाक रूप लेता जा रहा है। बीते 7 महीने से चल रहे इस जंग में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब इसराइल ने दक्षिण गाजा के आखिरी शहर राफा में अपनी सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। अब राफा में इसराइल के कंट्रोल के बाद राफा और करेम अबू सलेम क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। राफा में खाने को तरसे लोग, रफा में अस्पतालों में ईंधन जैसी जीवन रक्षक आपूर्ति समेत खाना दवाएं सब बंद हो गई हैं। जंग के बीच हजारों लोग यहां से भागकर सेंट्रल गाजा और खान यूनिस चले गए हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों पर खाने पीने का संकट आ गया है। अमेरिका ने की थी जंग रोकने की अपील। जंग को रोकने और फिलिस्तीन इसराइल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें जारी हैं। अमेरिका ने इसराइल को जंग रोकने की अपील भी की थी। लेकिन इसराइल ने अमेरिका की रफा में ऑपरेशन विस्तार न करने की अपील को दरकिनार कर दिया। इसराइल ने राफा में और ज्यादा जंगी टैंक व सैनिक तैनात करने के आदेश दिए। वहीं हमास और इसराइल के बीच चल रही शांति वार्ता रफा इवेंजन के बाद लगभग बंद हो गई है। 6 मई को हमास ने कुछ शर्तों के साथ इसराइल के सीजफायर प्रस्ताव को मान लिया था, लेकिन इसराइल हमास की इन शर्तों पर राजी नहीं हुआ था। शांति वार्ता के मध्यस्थ कतर और मिस्र का कहना है कि रफा इवेंजन ने युद्ध विराम की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वहीं करीब 7 महीने बीत जाने के बाद भी हमास और इसराइल में जंग नहीं रुक पाई है। इस जंग की शुरुआत से 11,029 इसराइली मारे गए हैं और 8,730 घायल हुए हैं। गाजा में इजरायली हमलों में अब तक करीब 36,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें लगभग 15,000 बच्चे शामिल हैं।